बस स्टैंड पर चिट्टे से पागल हुआ लड़का, देखिए क्या क्या हरकतें कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चिट्टे से दूर रहें। बिलासपुर जिले में चिट्टे का नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और युवा इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिलासपुर बस स्टैंड पर एक युवक नशे की हालत में हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर बस स्टैंड से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी स्थित है, लेकिन इसके बावजूद भी बस स्टैंड पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नशे में धुत युवक ने बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों और आम जनता को भी परेशान किया, लेकिन मौके पर पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर सुधार समिति के अध्यक्ष ने बढ़ रहे नशे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सभी अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि अपने बच्चों की हर गतिविधियों पर नजर रखे। मैं प्रधान नगर सुधार समिति बिलासपुर, आज मैं बस स्टैंड किसी काम से कोई 3:30 बजे गया था, तो मैंने बस स्टैंड के पास एक युवा को इधर से उधर घूमते हुए पाया। शक के आधार पर जब मैं उसके नज़दीक गया तो युवा ऊंची हरकतें कर रहा था। मुझे लग रहा था कि उसने कुछ नशे का सेवन किया है। लोग उसको देख के हंस रहे थे, ना जाने वो युवा कहाँ से बेचारा आया था और कैसे इस लत में पड़ गया। हमारी संस्था सदैव ही लोगों को, युवाओं को और बच्चों के माता पिताओं को इसी बारे समझाते हैं तथा अपने बच्चों की देख रेख, वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, इसके बारे में ही लोगों को जागरूक करते हैं। तो मैंने पाया कि जिस माँ बाप का ये बच्चा इस दलदल में फंस चुका था, उन माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो वही जानते होंगे। लेकिन मेरा समाज को और सभी युवाओं को यही संदेश है कि इस नशे से दूर रहने के लिए और इस नशे को करने वालों के साथ संगत करने से परहेज करें तथा किसी के हाथ से कोई ऐसी वस्तु ना खाएं जिससे इस नशे की लत को छुआ जा सके। और ये लत जो है ऐसी लत है कि ये जानलेवा है। केवल इस चिट्टा नामक नशे का जो अंत है वो उसकी मौत है। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।